रोज कहता हूं आपसे कि मानसून आ गया है, बारिश होने लगी है, रोज भयंकर तस्वीरें आ रही है, रोज भयंकर तस्वीरें आ रही है, लगातार दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप लोग सजग हो जाएं। अगर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अभी सजग हो जाइए और पहले ये वीडियो देख लीजिए। दिखाइए जरा वीडियो। पहाड़ पर भयंकर तबाही मची हुई है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ ही टूटकर गिर गया। बताइए, कोई उस रास्ते से गुजर रहा होता तो क्या होता? इसलिए कहता हूं कि रोज दिखाऊंगा बारिश बाढ़ से होने वाली तबाही की खबर। आप सावधान हो जाइए। उत्तराखंड पर्यटन के चक्कर में बहुत लोग जाते हैं। बहुत ही डरावनी तस्वीर है। धारचूला में तवा घाट सड़क पर यह पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। देखते जाइए, स्क्रीन पर लगातार चला रहा हूं। इतना बड़ा पहाड़ टूटकर अगर सड़क पर गिरेगा और गाड़ी गुजर रही होगी तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। इसलिए खबर दिखा रहा हूं। आपका चैनल है विस्तार न्यूज। मोबाइल का जमाना है, दूर से खड़े होकर लोग देख रहे थे, चिल्लाने लगे और तुरंत वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तो बात हुई पहाड़ की। अब आपको मैदानी इलाकों का हाल भी दिखा देते हैं कि आखिर में मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है। देश के मानचित्र पर उत्तरी पूर्व में बसा राज्य बिहार, जो हमेशा लाइमलाइट में बना रहता है, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन बिहार सुर्खियों में ना रहे। कभी रेल के इंजन चोरी होने की वजह से, कभी मोबाइल का टावर चोरी होने की वजह से, और जब कुछ नहीं होता तो नीतीश बाबू ही पाला बदल लेते हैं। खैर, इस बार मुद्दा बहुत अलग है और अलग इतना है कि हमें आपके शो सीधे मुद्दे की बात में बात करनी पड़ रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर मैं क्यों बिहार की बात कर रहा हूं। 8 से 9 बजे के बीच आगे की बात रिपोर्ट दिखाने के बाद करूंगा। देख लिया आपने, आप जान लिए होंगे कि क्यों दिखा रहा हूं, खबर क्या है, क्यों आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। चलिए, बिहार में 24 घंटे में 6 पुल गिर गए हैं। 24 घंटे में 6 पुल गिर गए हैं। अभी तो बारिश शुरू हुई है और अभी नेपाल की तरफ से पानी आएगा तो सोचिए क्या होगा। गाँव का गाँव डूब जाता है। ऐसा पुल बना रही है सरकार की पहली बारिश में ये पुल गिर जा रहे हैं। पहली बारिश ये नहीं झेल पा रहे हैं और देख ही रहे हैं आप हाल कैसे ढहे जा रहे हैं। बड़े बड़े पुल देखिए कैसे एक एक करके सभी पुल पानी में समा गए। ये वीडियो जब बिहार से बाहर सोशल मीडिया में तैरते हैं ना तो लोग खूब गरियाते हैं, हंसते हैं, मीम्स बनाते हैं। एक बार को सोच के देखिए बिहार की जनता को, वहां के एक आम नागरिक को कैसा लगता होगा जब बाहर के लोग ऐसी खबरों पर हंसते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 दिन में 11 पुल कैसे पानी में बह गए। 17 दिन में 11 पुल बह गए, बड़े बड़े पुल बह गए। 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल गिर गया। 22 जून को सिवान के महाराजगंज में गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूट गया। 23 जून को मोतिहारी में बन रहा पुल, वो भी जिसमें ढलाई चल रही थी, वो भी गिर गया। 27 जून आगे बढ़ते हैं, 27 जून को किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में मरिया नदी पर बना पुल धस गया। 28 जून को मधुबनी में एक निर्माणाधीन पुल था, उसका पूरा हिस्सा गिर गया। 3 जुलाई को सीवान में छोटे बड़े 3 पुल गिर गए और 3 जुलाई को ही सारण में 2 छोटे पुल गिरे। समझ गए आप, 11 दिन में 17, ये पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। और अब आज यानी 4 जुलाई को फिर से सारण के बनियापुर प्रखंड में ही गंडकी नदी पर बना पुल गिर गया। इतने पुल गिर रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में आप भी तो परेशान होंगे ही।
लेकिन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सुशासन बाबू, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा टाइट करिए ना, जनता आपकी व्यवस्था पर फाइट कर रही है। आखिर ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों बार बार बिहार से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं? जिस प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर पूरे देश को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रदेश में सिस्टम की ऐसी लापरवाही कब खत्म होगी? दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। नीतीश बाबू, क्या ऐसी घटनाओं के आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिला पाएंगे आप? पुल गिर रहे हैं, लेकिन शुक्र है किसी की जान नहीं गई। इन 11 पुल के ढहने में कब जागेगी सरकार? जब पुल के साथ कोई जनहानि हो जाएगी, तब आपका सिस्टम कार्रवाई करेगा। नीतीश कुमार जी, रोज कहता हूं, ये पैसा आपका और हमारा बह रहा है।